दोस्तों नमस्कार। अब मैं बात करना चाहूँगा एक लतीफे के बारे में, एक चुटकुले के बारे में जो व्हाट्सएप के द्वारा प्राप्त हुआ है। मुझे हमेशा की तरह आयुष जी ने ही भेजा है। उन्होंने लिखा है, भाजपा कहती है हिंदू खतरे में, ओवैसी कहता है मुसलमान खतरे में, न्यायाधीश कह रहे हैं न्याय खतरे में, और BSNL कहती है संचार तंत्र खतरे में है, और सरकारी बैंक कह रहे हैं कि बैंक खतरे में, HAL कहता है हमारी नौकरी खतरे में है, और पता नहीं कितनी नौकरियां चली गई, जेट एयरवेज के कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है, उसके बारे में कोई जिक्र, कोई कानून नहीं बनाया गया, ना उनकी कोई खबरें दिखाई गई, ना प्रधानमंत्री उनके घर उनसे मिलने गए जिन्होंने आत्महत्या की। ऐसा असंवेदनशील, ऐसी असंवेदना से भरा हुआ हमारा प्रधानमंत्री है जो अपने देश को महान बनाना चाहता है और उन लोगों के पास नहीं जाना चाहता जो देश को महान बनाने की कड़ी में जुड़े हुए हैं, साथ संलिप्त हैं। सब छोटे छोटे लोगों के कार्य से ही देश महान बनता है, अकेला कोई व्यक्ति देश को महान नहीं बना देता। और किसान कह रहे हैं कि हमारी जान खतरे में क्योंकि आत्महत्या कर रहे हैं, गरीब कह रहा है कि हमारी जीने में मुश्किल है, जेट एयरलाइन कहती है कि 20,000 नौकरी खतरे में, शर्म की ये बात है, इतने शर्म की ये बात है कि इतने खतरों के बाद अंधवक्त कहते हैं कि देश बहुत सुरक्षित है। ताना बहुत अच्छा मारा गया है और बहुत सही बात बोली गई है, लेकिन आप भी खुद सोचें दोस्तों कितनी बात सच कही गई है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को डालने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे फेसबुक पर भी आएंगे और यूट्यूब पर भी आएंगे, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, कम से कम इतना एहसान इस देश के लोकतंत्र पर और मेरी आवाज़ पर कीजिए कि वीडियो पूरे देखा कीजिए, और हो सकता है कि आपको इनसे कुछ फ़ायदा मिले, और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इससे अच्छा ये होगा कि आप मेरे पेज को अनसब्सक्राइबर कर दें। अगर 2 मिनट से ज़्यादा मेरा वीडियो नहीं देख सकते हैं तो इससे अच्छा होगा कि आप विदाई ले लें, मेरी खुशफहमी को गलत साबित कर दें, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेसी हैं तो सम्मान देना जानते हैं, लेकिन यहां अजीब तरह का फैशन सोशल मीडिया पर चल निकला है कि यहां सब नेता हैं और सब अपने तरीके से सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर कोई वीडियो डलता है तो उसमें कोई जानकारी हो सकती है आपके लायक भी, तो पूरा वीडियो देखना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ये एक व्हाट्सएप का था, डाल दिया, लेकिन ये जो मुद्दे उठाएं, ये मुद्दे वाकई में बहुत सीरियस थे, जो वाकई में डिस्कस होने चाहिए, देश में डिस्कस होने चाहिए, मोहल्लों में डिस्कस होने चाहिए, देश के चौराहों पर डिस्कस होने चाहिए, गलियों में डिस्कस होने चाहिए, ट्रेनों में डिस्कस होने चाहिए, बसों में डिस्कस होने चाहिए, तो बस यही चाहिए और यही होना चाहिए दोस्तों। नमस्कार।